इंडिया में OnePlus 11R 40,000 रुपए के अंदर भाई काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, लेकिन IQ Neo 7 ये आता है लगभग 30-35,000 रुपए के अंदर। ये स्मार्टफोन भी काफी बेसिक सा है, लेकिन यार देखो सीधी सी बात है कि हमें दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन चाहिए, पैसा बचा के IQ Neo 7 लेना चाहिए या फिर पैसा लगा के OnePlus 11R लेना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन के अंदर फर्क क्या क्या है, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा के अंदर क्या क्या फर्क है, साथ ही साथ हमारे यहां पर कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी हो पाएगा, हमें यहां पर स्मार्टफोन लेना कौन सा चाहिए, दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपेयर, और मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए वर्थ इट हो सकता है, आपको यहां पर कौन सा स्मार्टफोन उठाना चाहिए, सारी जानकारी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू कंपेयर गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के अंदर भाई फर्क है। IQ Neo 7 प्लास्टिक के साथ में आता है, लेकिन अपना जो OnePlus है ना दोस्तों, ये आता है यहाँ पर ग्लास बैक के साथ में, अलर्ट स्लाइडर के साथ में, दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स है, वो सब कुछ ठीक है यार, लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है लुकिंग आप पर कि आपको कौन से स्मार्टफोन की लुकिंग अच्छी लगती है। OnePlus 11R की थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी प्रीमियम है भाई, लेकिन IQ Neo 7 की रिपीट है IQ Neo 6 की तरह, लेकिन वो डिपेंड करेगी आप पर कि भाई आपको कौन से स्मार्टफोन की लुकिंग अच्छी लगती है, वो आप पर है ना। हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, फीचर्स दोस्तों यहाँ पर दिन और रात का फर्क रखते हैं। कैसे, चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। OnePlus 11R 6.7 इंच की 1.5K एक AMOLED पैनल 120 हर्ट्ज के साथ में, यानी कि दोस्तों क्वाड HD प्लस से जरा सा कम और फुल HD प्लस से ज्यादा, यानी कि 1.5K AMOLED 120 हर्ट्ज के साथ में 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, वाइड वन L1 HDR 10 प्लस मिल जाएगा आपको यहां पर, और ये डिस्प्ले यार 1400 निट्स की ब्राइटनेस पीक के साथ में एक हल्का सा कर्वेचर कंटेन करती है दोस्तों, जो कि अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है यार। 1.5K यानी अगर आप करते हैं ना मीडिया एक्सपीरियंस गेमिंग भाई साहब, आपका बहुत ही तगड़ा काम करवाएगी OnePlus 11R की डिस्प्ले, दैट फॉर श्योर। लेकिन अगर हम बात करते हैं IQ Neo 7 की, ये डिस्प्ले यार जरा सी है ना बेसिक सी है, 6.78 इंच की, एक बड़ा साइज आ गया यहां पर, लेकिन फुल HD प्लस AMOLED पैनल 120 हर्ट्ज के साथ में। लेकिन दोस्तों अगर आप करते हैं ना गेमिंग, उस केस में दोस्तों ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा मक्खन क्वालिटी निकाल के देती है, क्योंकि 1200 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट गेमिंग मोड में जाने के बाद में आपका बढ़िया काम करवाएगी। 1400 निट्स की ब्राइटनेस पीक वगैरह ठीक है यार, मतलब कि वाइड वन L1 HDR 10 एकदम फ्लैट डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना यार कि मीडिया वॉचिंग करनी है हमें, है ना, गेमिंग भी करनी है हमें, उस केस के अंदर दोस्तों OnePlus 11R की डिस्प्ले आपका एक मक्खन काम करवाने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन IQ Neo 7 1200 हर्ट्ज के साथ में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुधार देगा। कहने का मतलब अगर आप करते हैं ना गेमिंग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों से, मुझे चाहिए गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले के ऊपर, देन दोस्तों IQ Neo 7। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी की, 1.5K मीडिया वॉचिंग करनी है भाई, है ना, गेमिंग भी करनी है, सब कुछ काम हो जाएगा, OnePlus 11R सिर्फ गेमिंग, IQ Neo 7 ओवरऑल के साथ में, OnePlus 11R। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेक्स के बारे में। OnePlus 11R Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4nm पे आ गया, 8x128 16/256GB के साथ में, 5x RAM UFS 3.1 के साथ में, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इंडिया के 5G बैंड सारे मिल जाएंगे, 1 मिलियन का एंटीटू बेंचमार्क, एंड्रॉइड 13 तीन साल के अपडेट, यानी कि एंड्रॉइड 14 15 16 तक जाएगा दोस्तों। लेकिन ये कलर ओएस के साथ में आता है यार, यानी कि ब्लॉटवेयर को साथ लेके आएगा, ओप्पो वाली फीलिंग देगा ओएस के मामले में, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, क्योंकि कॉस्ट कटिंग की गई है ना, क्योंकि यहां पर दोस्तों हार्डवेयर की फीचर्स बहुत ज्यादा क्रेजी है और उन्हें बैलेंस करने के लिए ओएस के साथ में जरा सा कॉम्प्रो किया गया है, दैट फॉर श्योर। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, हाईएस्ट सेटिंग दोस्तों गेमिंग कीजिए, कोई तरह का फ्रेम ड्रॉप, लैग जिटर आपको नजर नहीं आएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ना मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, शेयर मार्केट का काम करना है भाई, हर एक फैक्टर के अंदर आपके बढ़िया काम करवाएगा, दैट फॉर श्योर, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 OnePlus 11R के अंदर। लेकिन IQ Neo 7 ये दोस्तों कम नहीं है यार, MediaTek Dimensity 8200 ये भी आता है 4nm पे, 8x128 12/256GB के साथ में, LPDDR 5 फ्रेम, UFS 3.1 के साथ में, काफी टक्कर का है, Android 13 आएगा लेकिन दो साल की अपडेट लेके आएगा, यानी कि Android 14 और 15, और दोस्तों यहां पर आपको ब्लॉटवेयर भर भर के दिए जाते हैं, होपफुली आपने अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं लेकिन भाई ज्यादा दिए जाते हैं हॉट एप्लीकेशन, है ना, रिकमेंडेशन वगैरह। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना कि यार बेसिक काम करना है, यानी कि गेमिंग भी करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, सब कुछ करना है यार, दोनों स्मार्टफोन लगभग इक्विवेलेंट निकल के आते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन, मुझे सिर्फ गेमिंग करनी है, उस केस के अंदर
IQ Neo 7 को दोस्तों जरा सा ना इंप्रूव किया गया है। पहली बात, पार्टनरशिप करके 90 FPS की गेमिंग मिलती है आपको यहां पर, आउट ऑफ द बॉक्स डायरेक्टली आपको यहां पर मिलेगा 90 FPS की गेमिंग। इसके अलावा यहां पर आपको गेमिंग मोड दिए जाते हैं, 1200 हर्ट्ज की TSR आ गई डिस्प्ले वाली। ये सब मिला के दोस्तों आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एनहेंस किया जाता है IQ Neo 7 के अंदर, दैट फॉर श्योर। यानी कि भाई मैं एक हैवी ड्राइवर हूं, मैं बहुत ज्यादा एडिटिंग करता हूं, वीडियो एडिटिंग करता हूं, फोटो एडिटिंग करता हूं, शेयर मार्केट का काम करता हूं, भाई दोनों स्मार्टफोन संभाल लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे कहिए सिर्फ गेमिंग, मुझे चाहिए गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन IQ Neo 7। यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं। आप किस तरह के यूजर हैं डिपेंड करेगा आप पर, कि भाई आपका यूज क्या है, स्मार्टफोन को आप यहां पर उठा सकते हैं, फर्क क्या थे आपके सामने हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा यहां पर दोस्तों काफी ज्यादा डाउन है IQ Neo 7 का, क्योंकि एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, कैमरा यहां पर काम नहीं करता है उतना अच्छा। 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW3 सेंसर, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ है कुछ यार, 16 का सेल्फी कैमरा, 4K 60fps, और इसकी क्वालिटी यार काफी ज्यादा बेसिक सी है, नॉट ए कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर हम बात करते हैं OnePlus की, 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 विद OIS, ये दोस्तों अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा फ्लैगशिप, बहुत ज्यादा क्रेजी सेंसर आ गया। बाकी की ठीक है यार, 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो, 16 का सेल्फी कैमरा, लेकिन दोस्तों रियर कैमरा सेंसर, मेन कैमरा सेंसर दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा क्रेजी है, OnePlus 11 वाला एग्जैक्ट सेम है यार, सोनी IMX890 4K 60fps, है ना, ये क्वालिटी दोस्तों आपको यहां पर काफी तगड़ी मिलने वाली है। कहने का मतलब देखिए, वैसे अगर आप चाहे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपेयर आप मुझे कमेंट कर देना। अगर आप में से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे भाई हमें चाहिए कैमरा कंपेयर वीडियो, तो मैं लेके आऊंगा, वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए। लेकिन हम बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी की, यहां पर दोस्तों जो पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, वो आप मान के चलो कि यार कैमरा यहां पर काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है OnePlus 11R के अंदर। IQ Neo 7 नॉट ए कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, दैट्स इट। चलिए बात करते हैं यहां पर मेरे ओपिनियन की, और मैं करूंगा यार बहुत ही क्लियर सी बात, कि अगर मुझे पैसा ज्यादा लगाना है ना तो वर्थ इट करता है क्या। देखिए दोस्तों, पैसा ज्यादा लगा रहे हो, सीधी सी बात है, बिल्ड क्वालिटी यहां पर अच्छी मिल रही है OnePlus के अंदर, डिस्प्ले यहां पर अच्छी मिल रही है OnePlus के अंदर, 1.5K के साथ में नियर टू 2K डिस्प्ले नियर बाय, ठीक है भाई, परफॉर्मेंस के अंदर दोनों ठीक है टक्कर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा क्वालिटी मिलती है OnePlus के अंदर, कैमरा अच्छा मिलता है OnePlus के अंदर। यानी कि दोस्तों अगर आपका यूज है ना, उस केस के अंदर आपके लिए OnePlus 11R आपके लिए अच्छी क्वालिटी निकाल के दे पाएगा। लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता बिल्ड क्वालिटी से, कैमरा से, मुझे चाहिए एक गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन, मुझे स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ गेम खेलना है ना, उस केस के अंदर पैसा बचाइए, IQ Neo 7 आपके लिए बढ़िया क्वालिटी निकाल के दे पाएगा, दैट फॉर श्योर। ठीक है भाई, यानी कि अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग स्मार्टफोन यहां पर टारगेट करते हैं, आपको देखना पड़ेगा भाई आप किस तरह के यूजर हैं, दोनों के फर्क आपके सामने हैं। कोई दिक्कत आ रही दोस्तों स्मार्टफोन खरीदने के अंदर, आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, रिप्लाई आपको वहां पर जरूर से मिल जाएगा। वीडियो भाई लाइक कर देना, नए सब्सक्राइब कीजिए, हम मिलते हैं यहां पर अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, जय हिंद।